तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने। इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्स करने होंगे, किस तरह का ब्यूटिशियन कोर्स सीखना होगा, या आपको कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी होगी, यह सभी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और जानते रहिए कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट कौन होते हैं या ये कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, मेकअप आर्टिस्ट कौन होते हैं। आज मेकअप उद्योग दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे समृद्ध करियर में से एक बनने के लिए तेजी से उड़ान भर रहा है। पहले के समय में लोग वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे कि मेकअप की क्या महत्वता है और ये कैसे आपको रोज़ाना जीवन को प्रभावित कर सकता है। ब्रश का एक भी स्ट्रोक किसी भी उपस्थिति को कैसे बढ़ा सकता है, क्या ब्लश और स्मोकी आई शेडो के स्ट्रोक आपको उत्साहित करते हैं, क्या आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे में आपको मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एक मेकअप आर्टिस्ट वो कलाकार है जो अपने रंगों और कम्युनिकेशन के ज्ञान में एक व्यक्ति का रूप बदल सकता है। मेकअप से जुड़ी सभी सामग्रियों का बेहतर ज्ञान और मिश्रण इस कला को पूरा करता है। एक मेकअप आर्टिस्ट जानता है कि किस व्यक्ति पर कौन से प्रकार का मेकअप जचेगा और किस इनवेट के अनुसार किस तरह का आउटफिट और मेकअप बेहतर है। इन सभी बातों का ज्ञान एक मेकअप आर्टिस्ट रखता है। बॉलीवुड को चाहे बॉलीवुड कोई भी इवेंट, मेकअप आर्टिस्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेकअप व्यक्ति के रोल और कैरेक्टर का निखार देता है, जो कि कैमरा ऑपरेशन के लिए आवश्यक भी है। अगर आप गौर करें तो हम फिल्मों को जो किरदार की भूमिका के अनुसार उसके चेहरे पर इम्पैक्ट देख पाते हैं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल होता है। मेकअप एक 21 वर्ष के व्यक्ति को स्क्रीन पर 80 वर्ष का दिखाने की ताकत रखता है। इस बेहतरीन करियर में कदम रखने से पहले चलिए जानते हैं कि ये करियर आखिर क्यों चुनते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के और कौन कौन से कार्य होते हैं। आपने हमारे वीडियो के माध्यम से यह तो जान ही लिया होगा कि मेकअप आर्टिस्ट कौन होते हैं या ये किस तरह से काम करते हैं। ऐसे ही आगे जानकारी जानने के लिए हम आपको बताएंगे कि मेकअप आर्टिस्ट का और क्या क्या कार्य होते हैं, इन्हें कौन कौन से कार्य करने होते हैं या किस तरह से यह आपको कार्य में अपना मेकअप आर्टिस्ट के रूप में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको अपनी वीडियो में लेकर चलती हूँ और जानते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट की क्या क्या योग्यता होती है। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए योग्यता। एक क्रिएटिव और कॉम्पिटेंट व्यक्ति होने के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए आपके पास कुछ शैक्षिक योग्यता होनी भी आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। शैक्षिक योग्यता। आवश्यक शैक्षिक योग्यता में एक मेकअप कलाकार की नौकरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने के इस ब्लॉग के जरिए यहाँ आपको इन क्षेत्र में क्या क्या पता होना चाहिए। शुरू करने के लिए एक हाई स्कूल की डिग्री ज़रूरी है। हाई स्कूल के दौरान अध्ययन किए जाने वाले विषयों में कोई विशिष्टता नहीं है। हाई स्कूल के बाद तलाशने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए कॉम्पिटोलॉजी,
में सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यह 1 साल तक चल सकता है। उम्मीदवार एक कॉमेस्ट्रोलॉजी एसोसिएटेड डिग्री की विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसे अवधि के आधार पर 2 साल या उससे अधिक समय में पूरा किया जा सकता है। इंटरटेनमेंट या फैशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। मनोरंजन या फैशन उद्योग में मेकअप आर्टिस्ट के रूप में करियर शुरू करने से पहले कंपनी की मूल बातें समझने की ज़रूरत है। सीखने के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्स हैं, जैसे कि नेल टेक्निशियन कोर्स या कॉस्मेटोलॉजी प्रशिक्षाओं के लिए कोर्स। उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी एक सफल करियर बनाने के लिए अन्य डिग्री के रूप में इन्हें सीखा जा सकता है। उम्मीदवारों को कक्षा या कार्यस्थल में व्यापार के गुण सीखने के लिए 1000 घंटे के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको हमने इसमें इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या किस तरह से आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, यह सभी जानकारी हम आपको इस पॉइंट में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहना होगा, तभी आप एक एक करके सभी पॉइंट अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत से पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं कि इसके लिए आपकी क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होगा या किस तरह से आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छे से बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए और क्या क्या करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए चलते हैं दोस्तों मेकअप आर्टिस्ट सर्टिफिकेट। एक आर्टिस्ट जिसकी कला उसका सब कुछ है, वैसे तो उसे किसी कागज के टुकड़े की आवश्यकता नहीं जिससे उसकी कला की उत्तीर्णता पता लगाई जाए। लेकिन आज के समय में जहां दिन ब दिन कॉस्मेटिक्स बढ़ता ही जा रहा है, वहां आपको अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए आवश्यकता होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएँ होते हैं तो उन्हें आपके स्टूडियो पर पैरेलल के अपने हासिल किए सर्टिफिकेट या डिस्प्ले लगाया होता है, जिसे वह फ्रेम कराकर लगाते हैं, क्योंकि वह उनकी अचीवमेंट भी है और इससे लोगों को आप पर विश्वास होता है कि आप एक ऑथराइज्ड इंसान हैं जो काम जानता है। सर्टिफिकेट की आज के समय में काफ़ी वैल्यू है, तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी कोर्स करें तो एक ऑथराइज जगह से करें जहां से सर्टिफिकेट की वैल्यू हो और भविष्य में आपके काम आए। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही आगे की जानकारी जानने के लिए वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए और क्या क्या करना होता है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए चलिए दोस्तों स्कोप और सैलरी। शायद ही ऐसी कोई फील्ड रही होगी जहां मेकअप की आवश्यकता ना हो, चाहे वो टेलीविज़न शो, फिल्म, टीवी सीरियल और एडवर्टाइजिंग जैसी इंटरनेट फील्ड हो या न्यूज़ चैनल हो, एजुकेशन से जुड़ी कोई वीडियो रही हो, एंकर को कैमरे के आगे आकर्षक और अपीलिंग लगाने के लिए मेकअप की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम करियर स्कोप की बात करें तो हर फील्ड में अपना सिक्का आजमा सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको आपके योग्य काम मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आप अपना काम भी कर सकते हैं या कहिए कि बिजनेस भी कर सकते हैं, तो जिसमें आपकी इनकम स्रोत आप खुद तय कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट की बात करें तो कितने मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके मेकअप को अपने फील्ड चुना है, आज वो एक बड़ा नाम है। उदाहरण के तौर पे पारुल गर्ग को देख लीजिए, कितने ही उम्मीदवार उनके अंडर अपने कोर्स करते हैं और सर्टिफिकेट पाते हैं, जिसकी अपने आप में एक अलग महत्वता है। सैलरी की बात की जाए तो भारत में एक मेकअप आर्टिस्ट की एवरेज सालाना इनकम 485,076 INR
और अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो इनकम कोई निजी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, उसका एवरेज मापदंड नहीं निकाला जा सकता। मेकअप आर्टिस्ट की सैलरी कितनी होती है? यदि आप सबसे अच्छा मेकअप कलाकार के साथ सहायक के रूप में काम करते हैं तो 30 से 40 हज़ार एक्सपीरियंस आने के बाद लाखों में सैलरी होती है। फ्रीलांसर के तौर पर आपको एक दिन में 1500 से 3000 कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।